तो राजस्थान की मुश्किलें किस तरफ जा रही हैं, तमाम सवाल उस पर खड़े हैं। लेकिन इस बीच आइए अब आपको जरा पंजाब की सैर कराते हैं, क्योंकि पंजाब की भी पूरी कहानी आपने देखी होगी, जंग छिड़ी हुई है कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में। लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद अब सीज फायर का वक्त आ गया है। पंजाब में अमरिंदर बनाम सिद्धू की पूरी रिपोर्ट। झगड़ा सुलझ गया या फिर अनसुलझा है? चुनावी साल में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच रिश्तों में खटास दूर हुई या दूरी अभी बनी हुई है, इसे आप कुछ पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर वन, कांग्रेस कमेटी के सामने पेश होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पॉइंट नंबर दो, विवाद खत्म करने का फाइनल समाधान निकला। पॉइंट नंबर तीन, पंजाब में कांग्रेस का चेहरा अमरिंदर सिंह ही होंगे। पॉइंट नंबर चार, कुछ मुद्दों पर कैप्टन और सिद्धू में मतभेद बरकरार। पॉइंट नंबर पाँच, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बयानबाजी से नाराज कैप्टन। पॉइंट नंबर छह, सिद्धू को नई जिम्मेदारी देने के पक्ष में आलाकमान। सिद्धू को दिल्ली बुलाएंगे सर, जैसे कैप्टन साहब से बुला के मिले, सिद्धू को भी बुलाएंगे? मेरा जवाब हाँ है, मैंने उनके सारे बयान मंगाए हैं और बाकी मामला जो है, जो ढांचागत है, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, 8-10 तारीख तक जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय आ जाएगा। कांग्रेस ने विवाद सुलझाने के लिए डेडलाइन फिक्स कर दी है, यानी बीच का रास्ता निकाला जाएगा। वैसे एआईसीसी की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपना पक्ष रखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली से वापस लौट गए हैं। कैप्टन दिल्ली पहुंच गए लेकिन राहुल गांधी से बिना मिले हुए, इसे लेकर सियासी कयासबाजी का दौर चल रहा है। विवाद सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सुलह का रास्ता तलाशने के लिए राहुल ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ अहम बैठक की। मीटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने क्या कहा, सुनिए। उनकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई है, परंतु ये कहना कि वायदे पूरे नहीं हुए, मैं बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत से वायदे पूरे किए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी के मेंबर भी मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन पार्टी के अंदर का झगड़ा सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। पंजाब की पावर पॉलिटिक्स के पीछे एक वजह और चर्चा में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है, प्रताप सिंह बाजवा को राहुल गांधी का करीबी बताया जाता है, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। पार्टी के अंदर कई मौकों पर नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन कर चुकी हैं प्रियंका गांधी, लेकिन ताजा विवाद में कांग्रेस धर्म संकट में है, क्योंकि एक तरफ है पंजाब में पार्टी को शून्य से शिखर पर ले जाने वाला कद्दावर नेता का चेहरा, तो दूसरी तरफ है नामचीन चेहरा। क्रिकेट के मैदान में बेहतरीन बल्लेबाज रहे सिद्धू का मुकाबला इस बार सियासत के मास्टर ब्लास्टर कैप्टन के साथ है। कांग्रेस के अंपायर्स भी ये जानते हैं कि इस मुकाबले में आउट किसको देना है, लेकिन अगर कप्तानी अमरिंदर की रहेगी तो ये मान के चलिए कि सिद्धू भी अपने हिस्से की तालियां लेकर ही मानेंगे। कैमरा पर्सन अशोक भनोत और आनंद पटेल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तमाम सियासी खबरें आपने स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में देखी। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे धर्म परिवर्तन, जी हाँ, धर्मांतरण का वीडियो सबूत। खुद बताएगा आरोपी कि उसने क्या क्या किया है। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।